नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल पे। बात करेंगे एक नए महीने के पहले दिन की। जी हाँ दोस्तों, बात करेंगे 1 जुलाई 2019 की। दोस्तों देखते ही देखते समय जो है वो भाग गया है और 6 महीने हमारे कंप्लीट हो गए हैं और 7वें महीने में हम लोग लग गए हैं। पहले तो आप सबको शुभकामनाएं कि नया महीना नई उमंग लेकर आए। और अगर आपने 4 महीनों का राशिफल नहीं पढ़ा है तो आप आई बटन में जाकर उसे देख सकते हैं और पढ़ सकते हैं। देख लेते हैं कि कल कौन सा अबजित मुहूर्त है और कौन सा राहु काल है। तो स्क्रीन पर आपके पास आ रहा है, 11:56 से स्टार्ट होगा अबजित मुहूर्त और 12:52 तक अबजित मुहूर्त रहेगा, जिसमें आप शुभ कार्य कर सकते हैं। वहीं राहु काल जो रहेगा वो 7:11 से लेकर 8:55 तक रहेगा। इसमें आपको अवॉइड करना है कोई भी शुभ कार्य करने से। मेष राशि वालों को देख लेते हैं कि मेष राशि वाले किस तरह से काम करते हुए कल दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कल किसी बुजुर्ग व्यक्ति से मुलाकात हो सकती है और उनकी जो राय है कल आपके काम आ सकती है। आपको योजना बनाकर कार्य करना है, प्राथमिकताओं के अनुसार कार्य करना है और ये आपकी खासियत है कि आप लोगों की सुनते हैं। कहीं ना कहीं कुछ मनमानियां तो रहती हैं, हर आदमी के जीवन में रहती हैं, लेकिन फिर भी कल आप सुनने के मूड में हैं, जिससे आपको कल फायदा होता हुआ कल दिखाई दे रहा है। शांति बनाकर काम करेंगे, धीरज बनाकर काम करेंगे तो स्थिति और बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। सेहत पर कल आपका तवक्को काफी अच्छा रहेगा और सकारात्मक दृष्टिकोण से आपका महीना स्टार्ट होता हुआ कल मुझे दिखाई देता है। देखिए, रिश्तों को अभी और आपको थोड़ा थोड़ा आपको मैं कहूँगा कि कंप्लीट करने की जरूरत है। रिश्ते अभी आपके उस हिसाब से जो है वो नहीं, मैं कहूँगा कि चल पा रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा उधर ध्यान देने की आवश्यकता है, नहीं तो दिक्कतें आपकी बढ़ सकती हैं और रिश्ता आपको मजबूत करने की आवश्यकता है। देखिए, अगर आप शेयर मार्केट में रिलेटेड हैं तो आपके लिए दिन काफ़ी बेहतरीन होता हुआ दिखाई देगा। महीने की शुरुआत आपकी अच्छी हो रही है। वृषभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो वृषभ राशि वालों, आज का दिन थोड़ा सा हैपनिंग वाला रहने वाला है, यानी कि कुछ घटनाएं आपके साथ घटित होंगी जिसमें कहीं ना कहीं ऐसी कुछ बातें होंगी जिनसे आप बचना चाहते हैं, लेकिन वो बार बार आपके सामने खड़ी होंगी। इस समय इन चीज़ों के प्रति आपको एक पॉजिटिव नज़रिया रखने की आवश्यकता है और इन समस्याओं से अगर भागेंगे तो काम आप नहीं कर पाएंगे। इस बात का ध्यान आपको देना होगा कि ऑफिस में काम ज़्यादा है और आपको प्लान करना है और अपने पुराने जो आपके पेंडिंग काम हैं उसकी तरफ आपको थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। आज पुराने रिश्ते कहीं ना कहीं जुड़ते हुए दिखाई देंगे, स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देंगी, लेकिन आपको कैरियर के अंदर थोड़ा एक्स्ट्रा काम करना पड़ सकता है। मिथुन राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो स्थितियाँ जो हैं वो धीरे धीरे सुधर रही हैं। मैं ये नहीं कह सकता कि पूरी तरह से सुधरेंगी। देखिए, स्थितियाँ जो है, वास्तविकता जिसे बोलते हैं, रियलिटी जिसे बोलते हैं, उसको देखने में आपको समय ज़रूर लगा, लेकिन अब आप रिश्तों की ऊंच नीच को पहचान चुके हैं और कहीं ना कहीं आप आगे बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर स्थितियाँ कल बहुत अच्छी हैं आपकी और जिंदा दिली से आप जीते हुए दिखाई देंगे। काफ़ी साहसिक कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं और कहीं ना कहीं डेट इत्यादि के प्रोग्राम भी कल बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। देखिए, कुछ पुरानी प्लानिंग है, फाइनेंशियल प्लानिंग है, उसको अगर आप अमले जाना पहराना चाहते हैं, यानी कि उसे पक्का करना चाहते हैं, तो समय बहुत उपयुक्त है। आपको चाहिए कि आप इस समय का पूरा इस्तेमाल कर लें। स्थितियाँ बेहतर हैं कल। कर्क राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो ऐसे अवसरों को पकड़ने की कोशिश करें जो आपके सोचने में तो हैं लेकिन एग्जीक्यूशन में नहीं है, यानी कि आप सोच तो रहे हैं लेकिन वास्तविकता पे, धरातल पे आप कुछ नहीं कर रहे। तो कोशिश कीजिए कि ऐसे अपॉर्चुनिटीज को, ऐसी मैं कहूँगा अवसरों को आप पकड़ें और कहीं ना कहीं अपने सोच को और पॉजिटिव करके एक रिस्क फैक्टर वाली जो स्थिति होती है उसे बनाएं। आज का दिन आपके लिए व्यस्त रहने की संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही हैं। आपको दिन आपके लिए प्यार के लिए उपयुक्त रहेगा और कहीं ना कहीं आप प्यार का इजहार करना चाहते हैं। अगर आप किसी के प्रति समर्पित हैं तो सही महीने की शुरुआत आप कर सकते हैं, आपको इसका फल जरूर मिलेगा। सिंह राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो सिंह राशि वालों, कैरियर में और निजी संबंधों में जो पिछले दिनों आपने प्रयास किए थे उसका जो रिजल्ट है वो आपको मिलेगा और कहीं ना कहीं ये आपके लिए बड़ी सफलता की ओर अग्रसर आपको करता हुआ लेकर जाएगा। हालांकि पेट जो है वो अभी इतना साथ नहीं दे रहा, पेट से रिलेटेड दिक्कतें आपको हो रही हैं, इसलिए जितना हो सके बाहर का खाना ना खाएं, तला तली वाला खाना ना खाएं तो बेहतर रहेगा। देखिए, कुछ अपॉर्चुनिटीज थी लव लाइफ में जो आपने
मैं कहूँगा कि आपने निकाल दी, और इसका मलाल कहीं ना कहीं दिल के किसी कोने में आपको अभी भी है। लेकिन अब जो हो गया वो हो गया, उसमें आगे बढ़ने की ज़रूरत है। लव लाइफ थोड़ी ठहर सी गई है, आपने अभी भी अपने एक अच्छे दोस्त को खोया नहीं है। अगर आप उनसे बात करें तो कहीं ना कहीं स्थितियाँ आपकी बेहतर हो सकती हैं। देखिए, आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है। कार्यस्थल पर कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं, तो इस बात का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है कि ऐसे लोगों से बहुत ही ज़्यादा दूरी बनाकर रखें तो बेहतर रहेगा आपके लिए। कन्या राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो कार्यस्थल पर कोई स्थितियाँ ऐसी बन रही हैं कि कुछ लोग आपकी खिलाफत कर रहे हैं, और इस बात का पक्का सबूत आपको जो है वो कल मुझे लगता है कि मिल जाएगा कि कौन आपके पीछे आपके प्रॉब्लम्स को बढ़ा रहा है और कम नहीं कर रहा। आपकी शारीरिक सेहत बहुत अच्छी है, लेकिन अभी दबाव जो है वो ऑफिस के बने रह सकते हैं। लव रिलेशनशिप और फैमिली लाइफ कल अच्छी रहेगी। आपका जो मन की बात आप कहना चाहते हैं वो आप कल कह पाएंगे, जिससे स्थितियां बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। लाइफ में कुछ आलोचक लोग होते हैं, यानी कि जो आपकी जो जो भी काम आप कर लें उसमें नुक्स निकालते हैं, लेकिन ऐसे दोस्तों का होना यार आवश्यक भी है, क्योंकि अगर सब अच्छा अच्छा होगा तो फिर अपने आप को ठीक कैसे करोगे। तो ऐसे लोगों को साथ रखो तो बेहतर रहेगा आपके लिए, और ज़्यादा नुक्स ना निकालें, बस ठीक ठाक नुक्स निकालें तो बेहतर है। तुला राशि वालों के बारे में बात कर लेते हैं, तो अपने दिमाग में आपके कल बहुत अच्छे कुछ विचार आएंगे। सबसे अच्छी बात ये रहेगी तुला राशि वालों की, पुरानी बातों को निकाल कर आप आगे की तरफ जाओगे, और कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें ऐसी होंगी लाइफ में जो आपको देखने में शुरुआत में लगेंगी कि यार मैं नहीं कर सकता, लेकिन मैं सच बताऊं मैं आप कर सकते हो यार। आप ऐसा कोई काम नहीं है जो आप नहीं कर सकते। अगर मनुष्य ठान लेना कोई चीज़ करने की, तो मतलब उसके लिए कोई चीज़ बड़ी नहीं होती है। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कॉम्पिटिशन की तैयारी करते हैं, आप तुला राशि के बारे में बता रहा हूँ, लेकिन बीच में छोड़ देते हैं, क्योंकि मैंने एनालिसिस किए। तो बीच में मत छोड़ो यार, आप लगे रहो। आपको कहीं ना कहीं नौकरी, अगर आपने माइंड सेट कर लिया ना कि मुझे ये करना है, तो वो करना है आपने, किसी भी तरह से करें, ठीक है। तो वही स्थिति कल आपकी होगी। तो अगर आपके माइंड में ऐसे विचार आते हैं तो उन विचारों को जाने ना दें, कोशिश करें पूरा एनालिसिस करें सिचुएशन की, उसके बाद कुछ निष्कर्ष पर पहुंचे। ये नहीं कि मतलब मन में आया विचार और आपने छोड़ दिया, ठीक है। लापरवाह रह रहे हैं आप थोड़ा सा संबंधों के प्रति, तो यहाँ पर आपको योजना बनाकर कार्य करने की आवश्यकता है। दिन अच्छा है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात कल दिखाई नहीं देती। वृश्चिक राशि के बारे में बात कर लेते हैं, आप व्यावसायिक और निजी कारणों से यात्रा कर सकते हैं। हालांकि इस समय आपकी यात्रा करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, क्योंकि गर्मी बहुत चल रही है और आपको गर्मी लगती भी बहुत है। तो बेहतर ये रहेगा कि जितना जरूरी हो सके उतना यात्रा करें, अपनी आंखों का विशेष ध्यान रखें, क्योंकि आंखों में चमक जैसी दिक्कत हो सकती है, जिससे स्थितियाँ जो हैं वो बेहतर नहीं होंगी आपके लिए। तो अगर आप कंप्यूटर पर काम करते हैं तो बेहतर करने के लिए पानी वगैरह का इस्तेमाल करते रहें, पानी की क्वांटिटी थोड़ी सी बढ़ाएं तो बेहतर रहेगा। आज का दिन ऐसे व्यक्तियों के लिए सही है जो अभी सिंगल हैं और अवसर तलाश कर रहे हैं, या कहूँ किसी को प्रपोज करना चाह रहे हैं, तो दिन उनके लिए अच्छा है, प्रपोज वो कर सकते हैं। देखिए, आपके व्यवसायिक कौशल में तो खैर तेजी आएगी, इसमें तो कोई कमी नहीं है, स्थितियाँ बेहतर होती हुई दिखाई देंगी। कुल मिलाकर समय सही है आपके लिए। धनुराशि के बारे में बात कर लेते हैं, देखिए आप अगर किसी के प्रति पॉजिटिवनेस दिखाएंगे तो स्थितियाँ बेहतर नहीं होंगी और ख़राब हो जाएंगी। तो बेहतर यह है कि थोड़ा सा आज़ादी दें अपने पार्टनर को, और वो क्या करना चाहते हैं उस बात को समझने की आवश्यकता कल आपको रहेगी। कुछ लोग ऐसे होंगे जो कल आपके पास संपत्ति लेके आएंगे, कुछ लोग चढ़ाने आ सकते हैं आपको, तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा आपको संभल कर चलने की आवश्यकता है। जो पहले से संबंध चल रहे हैं उनको संभालिए, क्योंकि संबंध जो है वो थोड़े से बिखर रहे हैं कल। तो कल विवाद में ना फंसे, कोई विवाद खड़ा ना हो, किसी विवाद में किसी का साथ ना दें, न्यूट्रल रहेंगे तो बेहतर आपके लिए रहेगा। निर्णय लेने के लिए कल समय बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता, तो बड़े निर्णय कल टाल दें तो और आपके लिए बेहतर रहेगा। मकर राशि के बारे में बात कर लेते हैं, तो आज कोई पुरानी जो बात है वो आपको आकर्षित कर सकती है। सब समझ सकते हैं कि आप शिष्टता से प्रभावित होते हैं, और खूब प्रशंसा आपको कल मिलने वाली है। कल आप जो भी काम करेंगे उसमें आपका तन मन धन दोनों इंक्लूड रहेगा, कल काफ़ी अच्छा फोकस आपका होता हुआ दिखाई देगा। और आपके जो परिजन हैं उनकी सेहत का आपको ध्यान रखने की आवश्यकता रहेगी।
शाम का समय आपके नाम रहेगा, आप काफ़ी ज़्यादा मस्ती के माहौल में रहेंगे, आपकी मुलाकात काफ़ी आकर्षक व्यक्ति से हो सकती है और ये मुलाकात काफ़ी यादगार हो सकती है। सितारे आपके पक्ष में हैं, इसलिए कोई अगर करीबी है तो अपॉर्चुनिटी है तो आप उन्हें प्रपोज कर सकते हैं। आज आप आगे बढ़ रहे हैं और कुछ लोग ऐसे हैं ऑफिस में जो हर ऑफिस में पाए जाते हैं जो आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर सकते हैं, तो कोशिश ये कीजिए कि ऐसे लोगों की बातों पर ज़्यादा ध्यान ना दीजिए लेकिन सतर्क रहें, अपने काम को पूरा जो है बनाकर रखें और ज़्यादा किसी के ऊपर विश्वास ना करें। कुंभ राशि के बारे में बात कर लेते हैं तो दिन आपके लिए अच्छा रहेगा लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपकी छोटी सी बात से कोई परेशान हो जाए, और क्योंकि आप साफ दिल के हैं, साफ बोल देते हैं मुंह पर, तो इस वजह से कुछ दिक्कतें हो जाती हैं आपके साथ, तो बेहतर ये रहेगा कि थोड़ा संतुलित बोलें तो बेहतर है आपके लिए। आपका पार्टनर जो है थोड़ा सा आलसी यहाँ पर दिखाई दे रहा है, सॉरी टू से, बट जो है आप भी कल आराम के मूड में हैं, तो पार्टनर के साथ छोटे पुटर कुछ बातें हो सकती हैं और रिलेशनशिप अगर कुछ तनाव के स्थिति से गुजर रहा है तो अभी थोड़ा सा देख कर चलाने की आवश्यकता है, कुछ ज़्यादा जल्दबाजी अपने निर्णयों में ना करें, आप देखेंगे कि धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि ये बहुत जनरल ट्रेंड है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपको पूरा काम करना है कल, और हालांकि सेटिस्फेक्शन लेवल कल थोड़ा उतना नहीं है क्योंकि आप कल थोड़ा सा टाल मटोल की स्थिति में कल हो सकते हैं, तो आपको चाहिए कि अपने काम जो आप ले रहे हैं उतना ही काम लें जितना आप कल कर सकते हैं। लास्ट राशि जो कि मीन राशि है, तो यह है कि समय के साथ आप बहुत ज़्यादा मैच्योरिटिक होके जा रहे हैं और बहुत अच्छे डिसीजन लेने की पावर आपकी बढ़ रही है, और ये महीना आपके लिए बहुत अच्छे तरीके से स्टार्ट हो रहा है। कुछ फैसले आप लेंगे जो नाटकीय रहेंगे, लेकिन कुछ लोग आपको अटपटा भी कह सकते हैं, लेकिन मैं मानूँ आपको कि आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे कल। आप काफ़ी संबंध आजमा चुके हैं, बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप में आप रह चुके हैं, लेकिन अभी स्थितियाँ लव रिलेशनशिप के लिए ठीक नहीं कही जा सकती, आपको चाहिए कि कुछ समय वेट कर लें तो बेहतर आपको लिए रहेगा। आप किसी सरकारी कामों में अगर अपना टांग अड़ाएंगे, जबरदस्ती करेंगे तो दिक्कत आपको हो सकती है, तो कुल मिलाकर दिन अच्छा है, कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा बहुत अटपटा लगेगा आपको कल लेकिन कोई बुरा नहीं कहा जा सकता। तो दोस्तों ये हुआ छोटा सा अवलोकन, 9411848508 भटनागर abhi2411@gmail.com मेरी आईडी है, आप ज़रूर मुझसे बात कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखें एनालिसिस पेड रहते हैं, उसकी निश्चित फीस आपको देनी होती है। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, इसी तरह चैनल के साथ बने रहिए, देखते रहिए, बहुत कुछ नया बहुत कुछ अच्छा आपको दूंगा मैं। देखने के लिए धन्यवाद।